हम यहाँ HTML के माध्यम से स्टैटिक पेज यानी एक कंप्लीट वेबसाइट बना रहे हैं और ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 2 समझ में पार्ट 2 देखना है तो आपको पार्ट 1 भी समझना पड़ेगा, क्योंकि तो इसका पूरा बेसिक वहाँ से चला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं न्यूज़ टैग के बारे में। अगर कोई न्यूज़ नोटिफिकेशन जा रहा है तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, स्टाइल शीट पे जाएंगे और न्यूज़ के अंतर्गत हमने क्या दिया, इसका विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बॉर्डर दे दिया, मार्जिन सेट कर लिया हमने। ठीक है, ये सब हमने सेट कर लिया था। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स वगैरह लिखने पड़ेंगे ना। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, पहले मार्की भी यूज़ करेंगे हम अलग अलग तरीके से। तो हमें क्या करना होगा, हमें टाइप करना होगा, पैराग्राफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा होगा हमारे पास। और जो जो हमारे पास कंपटीशन वगैरह होगा उनका हम टाइप कर लेंगे। हमने दे दिया सीज़न 2018, इसको क्या करो कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद पेस्ट, सॉरी इसको हम नीचे रखेंगे, पेस्ट कर लिया। तीन चार नोटिफिकेशन कम से कम हमारे पास होने चाहिए जो अपडेट होते रहते हैं। यहाँ लिख दो फैशन शो शो विंटर, और यहाँ लिख दो फैशन शो शो ईयरली। और नीचे टाइप कर दो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइप कर दिया हमने मिस्टर यूपी का भी कंपटीशन होता है, मिस्टर यूपी, मिस भारत, और यहाँ पर कुछ और नोटिफिकेशन देना चाहते हो, सीजनल रैंप वॉक, जो करेंट में अगर कुछ होगा तो वो आप दे सकते हो, रैंप वॉक कंपटीशन। ओके, आप इसको कंट्रोल एस कर लो। अब इसको आप रिफ्रेश करके एक बार पेज देख लो, पेज इसका कैसा आ रहा है। ठीक है, इस पेज को हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वर्ड्स कुछ दिख रहे हुए हैं, हमें क्या करना होगा, इनको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के बाद एक और काम करना होगा हमें, कौन सा काम देखते हैं, हमें डायरेक्शन वगैरह सेट करना पड़ेगा न्यूज़ वगैरह के लिए। ओके, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं मार्की। ये क्या करेगा, इसको सब रन करा के दिखाएगा। ठीक है, हमने मार्की इस्तेमाल किया और इसमें डायरेक्शन हम देंगे, डायरेक्शन कौन सा चाहिए हमें, अप चाहिए। ठीक है ना, यानी ये नीचे से निकल करके ऊपर तक ये मूव करे। इसके बाद यहाँ पे आपने मार्की इस्तेमाल किया तो मार्की को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कर लो मार्की, इसको क्लोज किया, कंट्रोल एस करिए, इसको कंट्रोल आर करके देखिए, ये चलेगा रिफ्रेश होकर के। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है फॉन्ट इसका स्मॉल, तो इस फॉन्ट को क्या करो, सीधा सा आप पेज पे चले जाओ, पेज पे जाकर के यहाँ पर टाइप कर दो फॉन्ट साइज। ओके, फॉन्ट साइज आप ले लोगे, आपने यहाँ पे सेट कर दिया 24 पिक्सल। ओके, इसके साथ ही इंडेक्स पेज पे जाओ और इसका जो मैटर चाहते हो कहाँ पर मैटर हो तो यहाँ पे लिख दो, टाइप करो क्या सेंटर, चेक कर लो यहाँ पे सेंटर। इसके साथ ही इसको भी क्लोज कर लो, सॉरी इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे मार्की के बाद। ठीक है, सेंटर सेव किया, अब इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, तो ये कैसे आ रहा है, ये तो इसका फॉन्ट बड़ा हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज काम करेंगे। ये आपको पेज दिख रहा होगा पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा बॉर्डर दिख रहा है। अब इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में हम एक सेक्शन बना करके इमेज लगाएंगे। तो इमेज लगाने का क्या तरीका है देख लेते हैं उसको। यहाँ पर हम ड्यू के अंतर्गत काम कर रहे थे। ओके, क्योंकि ये हमारा रैपर वाला टैग है ना। ओके, अब यहाँ पर हम एक स्लाइड बनाएंगे इमेज वाला, हमने लिया ड्यू,
यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्लाइड के नाम से एक आईडी क्लास बना लेंगे। क्लास बना सकते हैं चाहे तो आप आईडी का भी इस्तेमाल कर लें। क्लास में आप सेट कर दीजिए क्या स्लाइड बॉक्स और कंट्रोल एस कर लीजिए। इस पे जाइए, इस इसको जोड़ दीजिए। जो आपने वहाँ नाम दिया है वो नाम यहाँ पे होना चाहिए स्लाइड बी के नाम से। ओके, यहाँ पे टाइप करिए क्या हाइट, हाइट कितना चाहिए। और जैसे देखो यहाँ पे हमने दिया था 500 पिक्सल इसका, तो उसी का साइज़ ये भी रहेगा। सेम इसको हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, यानी इसी का जो मैटर सेम हमें चाहिए। हम इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये पेज दिख रहा है बहुत बड़ा। ओके, इसका जो साइज़ है, साइज़ भी देखो ध्यान से, हमें इसको साइज़ कम करना पड़ेगा। तो इसका साइज़ हम क्या रखते हैं, हाइट है, सॉरी दोनों हाइट ही हो गया, तो हमें वीड लेना था ना। ओके, इसका जो वीड था 25% था, तो कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो, पेस्ट किया और 25% यहाँ पर क्या हो, कितना बचेगा 75 बचेगा, तो 75 में भी कुछ हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस किया हमने और कंट्रोल आर करेंगे। अब ये बॉक्स तो आ गया, लेकिन हमें बॉक्स को ऊपर ले जाना है। अब बॉक्स ऊपर कैसे जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक काम करना होगा, हमें मार्जिन भी सेट करनी पड़ेगी लेफ्ट वाली, तब जाके ये काम हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देंगे, जैसे क्या हमने वीड लेना है, यानी इसकी चौड़ाई। इसका लगना जो हमने न्यूज़ लिया था और आधा था हमने पार्ट किया था, उनमें क्या प्रॉब्लम था कि पूरा पूरा पेज को बोलते हैं 100%। जैसे ये देखो, ये पूरा पोर्शन कहलाता है एक 100%, ये पूरा पूरा पेज, ठीक है। अगर ये बॉक्स है तो बॉक्स का ये पूरा डायमेंशन 100% कहलाएगा, किसी के अंदर का भी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये पूरा ओवरऑल लिया था, ओवरऑल को 100% माना था और इसको हमने 25% किया, तो यहाँ पे 75% नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो लाइनिंग है, लाइनिंग भी स्पेस को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें टाइप करना होगा यहाँ पे वीड 74.8% और मार्जिन हम क्या करेंगे टॉप, वहाँ से हम इसको मूव कर लेंगे यानी ऊपर से। और मार्जिन लेफ्ट मतलब क्या, जो पहला पेज ये था ना, यानी इसका न्यूज़ का था, पहला बॉक्स था, उस बॉक्स का हम दे देंगे कि इतना गैपिंग करके सेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस किया हमने और जैसे कंट्रोल आर करेंगे ना, ये जो पेज नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आकर के यहाँ पे सेट हो जाएगा, समझ में आया। यानी ये पेज क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आके सेट हो जाएगा। तो काम करने का तरीका क्या, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या क्या लिया, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें इमेज वगैरह हो, तो इमेज को सेट करने के लिए क्या तरीका होगा, पहले हम IMG SRC एक इमेज लगा के देखेंगे, ठीक है, और फिर बाकी का हम क्या करेंगे, कोड कर लेंगे। इज इक्वल टू किया डबल कोटेड, यहाँ पे इमेज का नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। इमेज कौन सा, इमेज का हम एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बना के उसमें इमेज रखेंगे, इसके उसके बाद ही हम काम करेंगे। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे किस नाम से, इमेज के नाम से, क्योंकि आप जितना भी मटेरियल रखेंगे अंदर रखेंगे तो और काम अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे सब इमेजेस के नाम दे दीजिएगा, नाम कैसे देंगे, इमेज का नाम काफ़ी बड़ा है तो हम इसका नाम छोटा कर लेते हैं, हमने रख दिया A1 के नाम से, ठीक है, सब JPG फॉर्मेट है। और हमने इसको कर दिया A2 के नाम से, इसको रख लिया हमने A3 के नाम से, सब का नाम दे देते हैं F2 करके, सॉरी यहाँ पे F2 प्रेस किया, इसको कर दिया हमने A4 और इसको कर दिया हमने A5, ठीक है। अब ये इमेज हमें वहाँ पे यूज़ करना है, नहीं अभी तो कोई सर, यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है इस इमेज को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसके साथ ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इमेज का नाम और उसका फॉर्मेट, जैसे हमने यूज़ किया था क्या, यहाँ पे A1 है, हम यूज़ करेंगे A1.jpg, क्लियर। इसको कंट्रोल एस करके सेव करो और अपना वेबसाइट को ओपन कर लो, कंट्रोल आर प्रेस करो। आपको यहाँ पे इमेज कुछ अजीब टाइप दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने लोकेशन ही दिया ही नहीं है। लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लोकेशन दे देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इमेज रीलोड नहीं कर पाएगा। तो इसको मंगाने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे इमेज,
क्योंकि इमेज के नाम से फोल्डर था। और यहाँ पे इसको इस्तेमाल करोगे ये वाला स्लैश, कंट्रोल एस करो और कंट्रोल आर करो, अब आपको ये इमेज दिखेगा। समझ में आया? ये इमेज काफ़ी बड़ा है, तो इमेज का जो जितना हमने बॉक्स लिया था, बॉक्स का साइज़ हमें भी यहीं से दे देना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पे हमने साइज़ क्या लिया था स्लाइड का, वो आप देख लो, हमने इसका दिया था विड, सेम सेम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो इसका बॉक्स का साइज़ है, ठीक है। कंट्रोल वी पेस्ट किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे इज इक्वल टू लगा करके इसको अंदर कर लेंगे, सेट कर लेंगे, ठीक है। आप कंट्रोल एस करो, वीट सेट हो जाएगा। इसके बाद इसका हाइट सेट करना है, तो हाइट हमने क्या रखा था इसका 500 पिक्सल। कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे इज इक्वल टू लगता है, इक्वल करके आप इसको सेट कर लो, ये एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि हम एक इमेज पहले टेस्ट करेंगे फिर बाकी इमेज पे सेव करेंगे। तो वो कंट्रोल आर किया, रिफ्रेश किया, ये पेज ऑटोमेटिक इस पर आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमें कुछ और काम करना होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, अब इमेज आपको ये पता चल गया, यदि आप चाहते हो कि इमेज का पूरा पूरा एरिया हो, एक चीज़ ख्याल रखना, एक जब बॉक्स बन जाता है ना, तो बॉक्स का कंप्लीट 100% होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा एरिया 100% कहलाता है। कंट्रोल एस करो, तो ये पूरा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक बॉक्स जब बनता है तो उसका बॉक्स के अंदर 100% होता है। कंट्रोल आर करिए, ये क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पर ये नहीं लगता है, हाँ ठीक है। कंट्रोल एस किया हमने और कंट्रोल आर करेंगे, तो ये क्या होगा, एक पूरा बॉक्स बन जाएगा, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद इसको हम कहते हैं कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, यानी हमें जितना इमेज लगाना है हम लगा देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मार्की, मार्की इस्तेमाल के लिए हमने, और इसमें मार्की कैसा होगा, इसको हमने लॉक करना पड़ेगा, जहाँ ओपन करो उसी एरिया पे उसको लॉक करोगे, तो ये आपका समझने में कोड थोड़ा आसान करेगा। कंट्रोल एस करो, और एक चीज़ ख्याल रखना, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसको लिखो डायरेक्शन, कैसा चाहिए, राइट से चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू राइट, ओके। कंट्रोल एस करो और कंट्रोल आर करो, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने इमेज लगाया है, इमेज का सबका नाम दे देंगे, A2 था, A3 था, और सबका हम नाम चेंज कर लेते हैं, पहले A4, A5, और यहाँ पे हमने दे दिया A6, ठीक है। कंट्रोल एस करो, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड से ये मूवमेंट करेगा, हम इसको चाहते हैं कि राइट साइड से मूवमेंट करे, तो हम राइट साइड से भी इसको कराएंगे। यहाँ पर हमने राइट लगा है, ये राइट अभी काम नहीं कर रहा है, राइट को हम देख लेते हैं बाद में। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे कुछ टाइप करना पड़ेगा, जैसे क्या, इमेज, हम चाहते हैं एक बैकग्राउंड में इमेज लगा हो, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से रखते हैं तो क्या होता है, समझना है इस चीज़ को, अगर ये इमेज नहीं होगा तो क्या होगा, ओके, या आपको ये ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, तो यहीं पर हम चाहते हैं कि एक ओवरऑल एक इमेज आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखेंगे हम, URL लिखेंगे और ब्रैकेट लेंगे, डबल डॉट का इस्तेमाल करेंगे, स्लैश इस्तेमाल करेंगे, इमेज का फोल्डर है और इमेज का नाम है .jpg है, समझ में आया, तो हमें इतना करना पड़ेगा, ठीक। और कंट्रोल जब एस करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इमेज आ जाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं जो हमने इमेज लगाया वो स्लाइड आए, तो वो स्लाइड चलेगा, ठीक है, वो हम जो राइट लग दिया वो ऑटोमेटिक इमेज चलेगा। अगर हम इसको राइट वाला हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हमने पूरा पूरा हटा दिया, तो ये वैसे भी डायरेक्शन इसका चलेगा, इसको हमने क्लोज करना है, ओके। कंट्रोल एस कर दिया, ये देखो इमेज उससे चलेगा, ओके ठीक। अब हम नीचे बनाएंगे फूटर, तो हम बना लेते हैं फूटर के बारे में जल्दी जल्दी, कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमने यूज़ किया डिव,
यहाँ पर ड्यू इस्तेमाल किया। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे आईडी इज इक्वल टू, यूज़ करेंगे फूटर, और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद स्टाइल सीएसएस पे जाएंगे, यहाँ पर हैश का इस्तेमाल करके इस चीज़ को पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे क्या हमें चाहिए हाइट, हाइट हमने डिसाइड कर लिया 110 पिक्सल, या इससे भी कम ले लो 100 पिक्सल कर लो। वीट आपने सेट किया DTH, कितना 100% चाहिए। इसके बाद हमें बॉर्डर कैसा चाहिए, बॉर्डर चाहिए सॉलिड, कंट्रोल एस किया, सेव करने के बाद हमें कहाँ जाना होगा, इसको रिफ्रेश करें, देखो यहाँ दिख रहा है, कंट्रोल एस करो, सॉरी कंट्रोल आर करोगे तो हमें मिलेगा एक फूटर, फूटर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम देख लेते हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो ये हुआ था कि हम जब यहाँ पे लिखे मैटर इसको हमने सेव नहीं किया था, ठीक है। जब इसको हम सेव कर लेंगे और फिर इस पर कोड लिखते हैं तो इसको भी सेव करो, फिर पेज को रिफ्रेश करोगे तो दोनों जब मिक्स करेगा तब जाके पेज का प्रिंटिंग होगा, ठीक है ना, तो वही प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसको हम कंट्रोल आर कर देंगे तो ये पेज हमें दिख जाएगा। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना हो तो आप क्या करोगे, लिखोगे मार्जिन, मार्जिन किधर आपको थोड़ा सा लेफ्ट से सेट करना है, माइनस कर लिया आपने 4 पिक्सल, और यहाँ पर सेट कर लो मार्जिन, कौन सा चाहिए टॉप से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है हमें, तो हमने यूज़ कर लिया -4 पिक्सल, और कंट्रोल एस करके हम इसको क्या करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज कैसा हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर। ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है काम करना। ओके तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल एन करना है। एक चीज़ ख्याल रखो कि हम चाहते हैं कि हर एक पेज पर मेनू बना रहे, क्योंकि हम यहाँ पर अगर विजुअल बेसिक्स बनाते हैं, ठीक है, अगर हम वेबसाइट विजुअल बेसिक्स बनाते हैं तो वहाँ मास्टर पेज मिलता है, तो यहाँ मास्टर पेज वैसे नहीं मिलेगा। तो कंट्रोल सी से कॉपी करो और कितना कोड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोड कॉपी कर लो। ओके कॉपी करने के बाद इसको जा करके पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको कंट्रोल एस करो, रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है हमें, तब लिखा registration.html। ओके कंट्रोल इसको सेव कर लो, ये बन चुका। अब ख्याल रखना यहाँ पे हमें बॉडी को क्लोज करना होगा, क्योंकि आपको पता है ये बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं मैटर, ये क्लोज हो जाएगा। HTML को क्लोज करेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि ये HTML क्लोज हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्लिक करो, ये आपको दिख रहा है सिलेक्शन पॉइंट, ओके ठीक। और अब हमें क्या करना होगा, स्पेस पर जाकर के हमें ये टाइप करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, कि हम क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन खुल जाए, ठीक है, हमने देख लिया registration.html, क्लियर। और इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम लिख देंगे क्या यहाँ पे इंडेक्स पेज, क्योंकि हर पेज से हम कहीं से भी क्लिक करें तो हम अपने पेज पे पहुँच जाएँ, सिंपल सी बात है। तो हम लिखा है index.html, ओके कंट्रोल एस करो, अब पेज को रिफ्रेश करके देखो, आपको मालूम चल जाएगा, कंट्रोल आर किया रिफ्रेश किया, ओके यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कंट्रोल एस किया मैंने और ओके इसको हमें सेव करना होगा, कंट्रोल एस किया और इसको जब हम पेज पे क्लिक करेंगे देखो काम कर रहा है, होम पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि ये हर एक पेज पे बना रहे और नीचे जो भी हमें चेंज करना हो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये पेज हमने जोड़ दिया, और रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमें क्या 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 करना है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें टेबल का इस्तेमाल करना है, हमने यूज़ किया टेबल, टेबल ओपन किया तो टेबल को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इज इक्वल टू करके हम यूज़ कर लेंगे बॉर्डर, सॉरी स्पेस करेंगे लेकिन बॉर्डर, और इसका थिक बना लेंगे हम, थिक मतलब जो उसकी मोटाई होती है लाइनिंग की उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। टेबल हमने बना लिया, और इस चीज़ को क्या करो, आप साइज देना चाहते हो हाइट वगैरह, यानी वीड दे दो पहले, वीड इसकी चौड़ाई कितना चाहिए आपको इज इक्वल टू करके आप दे दो यहाँ पे 600 पिक्सल, ओके कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश करके देख लो एक बार, ये बॉर्डर आ गया नीचे, ठीक है। अब इस पर हम जितना काम करेंगे वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, ठीक है। और अब हमें बनाना एक गैलरी का पेज, गैलरी पेज बना के देख लेते हैं। पहले मैं रजिस्ट्रेशन पेज को क्लियर कर देता हूँ एक दूसरे सेशन में, ठीक है।
देखो वीडियो का सेशन बड़ा होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको भी पढ़ने में, तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। ओके, वीडियो का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।